ये जो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई
स्पेसिफाई किया उसको हम लोग अब मेजर कर दिए एक्स्ट्रा स्टेप में। आइडेंटिफाई ट्रांजिशंस एंड इवेंट्स, ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस पे अब हम लोग आते हैं। सेकंड तक सबको क्लियर है? क्लियर नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा। सेकंड प्रोसेस तक हो गया। अब थर्ड प्रोसेस पे हम लोग देख लिए कि दो ट्रांजैक्शन जो लिए थे, एक सोफा सेट परचेस किए थे और दूसरा क्या किए थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल घर का पे किए थे। ये दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए कि मेरा बिजनेस का कौन सा ट्रांजैक्शन है और घर का ट्रांजैक्शन कौन सा है। जब ये दोनों में हम लोग डिफरेंस कर लिए कि बिजनेस का मेरा सोफा सेट वाला है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि वो सोफा सेट जो हम खरीदे हैं वो कितने का खरीदे हैं, मतलब उस सोफा सेट का प्राइस क्या है, मनी वैल्यू क्या है। मनी वैल्यू क्या है मतलब कि उसको मेजर करेंगे, हमको किस में मेजर करना है, मनी वैल्यू में। ये है सेकेंड स्टेप कि जो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन है उसको हम मेजर करेंगे कि उसका प्राइस क्या है। ठीक है, क्लियर है अभी? क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या कर लिए, मेजर कर लिए कि हम लोग क्या था, मेरा सोफा सेट का वैल्यू क्या था, सोफा सेट का प्राइस क्या था, 10,000। अब हमको इसको कहीं ना तो कहीं लिखना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग परचेस कर लिए तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हम लोग को सारा सिस्टमेटिक वे में चलना होगा, तो क्या करना होगा कि इसको किसी चीज़ में रिकॉर्ड करना होता है, मतलब कोई बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। या पहले के ज़माने में क्या होता था, वही खाता होता था, वहाँ पर रिकॉर्ड होता था। अभी क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होता है, जिसमें क्या होता है, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको, जैसे कि सोफा सेट परचेस किए, ठीक है, ये 10,000 का, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक सेपरेट बुक में। ये आपका बुक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी ट्रांजेक्शन, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, बिजनेस में सोफा सेट परचेस किए 10,000 का, 10,000 का जो सोफा सेट परचेस किए वो हम इस बुक में लिखेंगे। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना, यहाँ पे इस बुक में लिखेंगे। आपको सोफा सेट परचेस कर लिया, अब तो वो बिजनेस जो फर्नीचर का है वो तो सिर्फ सोफा सेट का नहीं, और भी सारा बहुत सारा वहाँ पे सेल परचेस होता होगा डेली, जैसे चेयर सेल हो रहा है या फिर टेबल सेल हो रहा है या फिर कोई डिस्काउंट दे रहा है, तो ये सब कहाँ रिकॉर्ड होगा, जितना भी हो रहा है काम वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ये जो बुक होगा उसमें हम लोग सारा लिखेंगे, जितना भी डे टू डे जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। सपोज कीजिए आज हम 10 चेयर बेचे हैं, तो 10 चेयर का यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा, मतलब 10 चेयर का प्राइस क्या था वो सब एक एक सीरियल वाइज मेरा रिकॉर्ड होगा। और ये जो बुक रिकॉर्ड होता है जिस बुक में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। जहाँ पे सारा चीज रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। इसको नोट करते जाएगा, ये सब बहुत आगे चल के चैप्टर है, ये जर्नल अलग चैप्टर है और बाकी सब अलग अलग चैप्टर है। तो ये जो बुक में हम रिकॉर्ड किए सबसे फर्स्ट टाइम जब बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद जितना भी ट्रांजेक्शन था वो हुआ, उसके बाद हम लोग क्या किए, ये बुक में रिकॉर्ड किए। ये बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। रिकॉर्ड करना मीन्स लिखना, ठीक है, क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है सबका। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाइंग। अब हम लोग रिकॉर्ड कर दिए इस बुक में, जर्नल में जो था वो सारा ट्रांजेक्शन जितना बिजनेस में हुआ था वो हम सारा लिख दिए। अब इसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, जैसे कि सेल किए हैं सोफा सेट, या फिर चेयर सेल किए हैं, परचेस किए हैं, फिर से एक्स्ट्रा कुछ, या फिर किसी को डिस्काउंट दिए हैं, जितना भी डेली हुआ है काम सारा वो हम सारा इसमें रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो मतलब एक ही जगह सारा कुछ है, अलग अलग नहीं है। तो अगर मतलब हम एक साल के बाद ये बुक को हम जब खोलेंगे, तो इसको जब हम देख चेक करेंगे कि मेरा कितना सेल या परचेस हुआ है, उस टाइम बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हर एक जगह क्या होगा, सब अलग अलग आइटम यहाँ पे लिखा हो रहा है, अलग 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 ट्रांजेक्शन होगा। सेल पहला अगर 1 तारीख को हो रहा है तो दूसरा मान लीजिए 5 तारीख को हो रहा है, तो फिर 5 तारीख के डेट में पेज वाले डेट वाले पेज में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा मिलेगा
तारीख 7 तारीख को सेल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक अलग बुक बनाएंगे। जितना ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में उसका अलग अलग बुक होगा, मतलब ये सेल का बुक हो जाएगा, ये परचेस का बुक हो जाएगा, ये अगर हम डिस्काउंट दिए किसी को वो हो जाएगा, या फिर डिस्काउंट मिला है उससे हम कुछ कर लिए वो, या फिर कमीशन है कोई वो हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जितना भी था वो हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ये अब सबका बुक मेरा अलग अलग हो गया, मतलब जितना भी इसमें सेल का ट्रांजेक्शन था, मतलब जितना भी हम सेल किए इसमें और जहाँ ये लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, अब सेपरेट इस बुक में सिर्फ सेल का जितना भी ट्रांजेक्शन है वो लिखा आएगा। उसके बाद परचेस में क्या होगा, जितना परचेस हम लोग किए हैं वो लिखा आएगा। डिस्काउंट अगर कोई दिए तो वो डिस्काउंट वाले बुक में लिखा आएगा। कमीशन अगर हुआ है तो कमीशन वाले बुक में लिखा आएगा, ठीक है। ये जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट बुक में, ये सारे बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ये सबको क्या बोलते हैं, लेजर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको। हेलो, बुक कीपिंग में, बुक कीपिंग अभी आगे हो, नहीं नहीं ये लेजर है, बुक कीपिंग अभी आगे बताएंगे क्या होता है बुक कीपिंग। ये अभी बस हम बता रहे हैं कि क्या होता है अकाउंट्स बेसिकली। बुक कीपिंग या फिर लेजर जर्नल, ये आगे चैप्टर ही है आपका अलग अलग, ठीक है। ये लेजर कहलाता है सारा, जो अलग अलग जिसको हम, हाँ बोलिए क्या होता है, एसेट्स। अभी बता रहे एसेट्स, अभी बहुत आगे कुछ भी नहीं पता है, सब बताएंगे क्या क्या होता है। अभी तो बस स्टार्ट ही किया, अभी बस बता रहे अकाउंट्स में, अकाउंट्स समझना है बस, कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स में क्या करना होता है बस। उसके बाद एक एक वर्ड, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ड्रॉइंग क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेस क्या होता है, सब बताया जाएगा, ठीक है। अभी बस अकाउंट्स हम लोग जान रहे हैं, अकाउंट्स क्या होता है ये अभी आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सा क्या, जर्नल, ओके, ठीक है। अब हम लोग इसमें सेकेंड स्टेप में क्या किए थे, जो मनी वैल्यू था सोफा सेट का वो हम लोग क्या किए, 10,000 लिए थे। अब हम क्या हुआ, बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो डेली सेल परचेस हो रहा था, डेली सेल परचेस हो रहा तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो गया। तो जिस बुक में हम लोग वो ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, मतलब जिस बुक में जितना सेल परचेस हुआ है लिखते हैं, उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। मतलब जितना सेल परचेस हुआ है जिस बुक में हम लिखेंगे उसको जर्नल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। नहीं सेल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, सेल पर जितना भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब सेल हुआ है, परचेस हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कुछ भी, वो कहाँ लिखाएगा, जर्नल में। मतलब कि कुछ भी अगर हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड बस होना चाहिए, बस फर्नीचर की शॉप से रिलेटेड होना चाहिए, वो रिकॉर्ड होगा इस बुक में, सिर्फ सेल नहीं। ओनली सेल कहाँ होगा, जब जर्नल से हम लेजर में जाएंगे, जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे, रिकॉर्ड में हम लोग सारी चीज़ को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई में हम लोग सबको अलग अलग कर देंगे, सेल को अलग कर देंगे, डिस्काउंट को अलग, परचेस को अलग, प्रॉफिट को अलग, लॉस को अलग, ठीक है, क्लियर है। लेजर जब हम इसको क्लासीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पे सेल का अलग कर देंगे, परचेस का अलग कर देंगे, डिस्काउंट का अलग कर देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको अलग कर देंगे, वो अलग अलग जो बुक का होता है वो क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। फिफ्थ आप लोग का क्या होता है, क्या हो गया, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजर कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, क्लासीफाई कर लिए। अब फिफ्थ क्या होता है, एनालिसिस करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हम लोग सब कुछ कर लिए, लेजर भी बना लिए, लेजर से क्या हो गया, हम लोग को पता चल गया कि मेरा सेल कितना हुआ है उस ईयर में, परचेस कितना किए हैं, डिस्काउंट कितना दिए हैं, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है और मेरा लॉस कितना हुआ है, ये हमको पता चल गया, टोटल सबका एग्रीगेट पता चल गया जब हम उसका अलग अलग बुक बना रहे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मीन
क्या होता है, उसको देखेंगे कि मेरा क्या हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मेरा सेल कितना हो रहा है, परचेस कितना हो रहा है, वो हम लोग इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मीन्स आपको पता है क्या होता है, मतलब देखना कि मेरा कितना प्रॉफिट है, लॉस है, मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है, बिजनेस को किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये हम लोग किस पॉइंट पे करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। लिख लिए होंगे, अभी बता रहे आगे। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन मीन्स कि जैसे कि मेरा लेजर सारा प्रिपेयर हो गया, अब लेजर से मेरा पता चल गया कि मेरा सेल कितना हो रहा है, परचेस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, ये सारा मेरा पता चल जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। एनालिसिस या फिर इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम मीनिंग है, मतलब कि मेरा बिजनेस आगे करना है नहीं करना है, ये इस पॉइंट पे हम लोग को डिसाइड करना होगा, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो किस तरीके से फिर उसको रिकवर किया जाए, अगर गेन हो रहा है तो फिर आगे किस तरीके से प्रमोट किया जाए, ठीक है। ये होता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में। सिक्स पॉइंट क्या होता है आपका, समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग तीन चीज देखते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें हम समराइजिंग में क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ये सारा कुछ बताएंगे क्या होता है ट्रायल बैलेंस, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट बैलेंस शीट। अभी वो लास्ट पॉइंट है, अभी बता रहे हैं इसके बाद। ये क्या होता है समराइजिंग में, एनालिसिस हम लोग कर लिए, ठीक है, कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, ये हम लोग एनालिसिस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब उसको समराइज करेंगे, फिर से एक बार रीड करेंगे और सारे हम लोग जो बुक्स बनाए उसमें देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या तीन अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, एक ट्रायल बैलेंस इसको बोलते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड लास्ट जो होता है वो बैलेंस शीट। ये सब क्या होता है वो आगे बताएंगे, अभी बताने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा समराइजिंग में तीन अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लास्ट क्या होता है आपका, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ठीक है। यूजर्स मीन्स यहाँ पे दो यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं और एक इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर। अब मेरा क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस समराइजिंग भी सारा कुछ हो गया, मेरा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर हो गया, बैलेंस शीट प्रिपेयर। ये जब प्रिपेयर हो जाता है तो मेरा एट द एंड जब फिनेंशियल ईयर मेरा एंड होता है उस टाइम मेरा पता चल जाता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर बिजनेस कोई कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो यूजर है वो बिजनेस का, यूजर मीन्स क्या बोल रहा है, कस्टमर या फिर जो इन्वेस्टर है, उनसे वो चीज़ कम्युनिकेट करेंगे, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। जब तक नहीं बताएंगे तो क्या होगा, अगर कोई इन्वेस्टर है वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, अगर उनको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ का बिजनेस है या किस बेसिस पे कैसा उनका बिजनेस का कैसे चलाते हैं, ये नहीं पता होगा उसको इन्वेस्टर का, तो वो क्या उस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। इस वजह से क्या होता है, यूजर्स जो होते हैं उनको हम लोग सारा डिटेल जो होता है बिजनेस के बारे में वो बताया जाता है। इसमें दो यूज़र होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं और एक क्या होते हैं, इंटरनल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र मीन्स क्या होता है, बाहरी लोग, मतलब कि कस्टमर हो गए या फिर कोई इन्वेस्टर हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बिजनेस के अंदर के लोग नहीं होते हैं, बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टर है तो अगर वो बिजनेस में
ऑफिस का एम्प्लॉय हो गया या फिर कोई क्लर्क हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, इंटर